मुंह पे भी दे देंगे उन बाल फाड़ ले हमारे वो सुनी एक छोटा भाई है थोड़ी शर्म करनी पड़ती है बस खाली शर्म का इसके इसके मुंह पे तो गाली कितनी हम कितनी बजे देते पर इसके जस्ट शर्म नहीं है सुनता रहता है समय समय की बात तो देखी जाएगी और यार ये तो मैं जो कुछ ज्यादा कम कर दी अरे भाई शिकारी को शिकार नहीं मिला पूरा अरे घोटा में भी दे दी भैया अरे घोटा में भी दे दे कल्लू को मैं घाल दे सब पे पहुंच गई ना अरे मुझे थोड़ी सी थी बस ले ए कल्लू है मिल गया गिलास भर के बिरयानी का लालच दे रहा है हमने बिरयानी में खरीद रहा हमें बिरयानी मैंने खिलाई है तो उल्टी तूने खिलाई है ये जब भी खा भी तेरा रहा जब भी पक्ष नहीं ले रहा तो उसका ध्यान भी रखता है मैं गद्दार है भाई ये हम दोनों के गद्दारी कर रहा है ये चाल खेल रहा है दिमाग घिस रहा है दिमाग घिस रहा है ए भाई ऐसी तूने उस दिन करी जब अजय इधर कर गद्दार आदमी जब इसकी पोल बोलती है उसने कोल्ड ड्रिंक दिया हमें ये अनमोल जी का खास बंदा है ये रहा अनमोल का राइट हैंड कल्लू तवर आप जानते ही हो अनमोल चिटचिटा सन्नी दुबे इनका आदमी नहीं होती ये अपनी जान बचा के यहाँ ये फरारी काट रहे हैं प्रशासन ने गांड फाड़ रखी है देखो भैया यूपी में रहना है बाबा वा कहना है सीधी सी बात है चाहे कोई भी क्यों ना सही क्या प्रशासन से बड़ी कोई चीज नहीं पर बाबा ने लठगा रखा है तो भंडार जी आप कुछ संदेश जैसे यूपी सरकार में बहुत ज़्यादा एनकाउंटर हो रहे हैं जो रहा अच्छा हो रहा है क्राइम कम हो रहा है और आपका कल्लू तवर जी आप तो जेल से ही आए हो क्या जो हो रहा है ठीक हो रहा है ठीक हो रहा है ठीक हो रहा है जैसे आप बेगुनाह थे आप फंसे थे तो ये गलत था सही है जो कर रहे हैं बाबा सही कर रहे हैं बाबा योगी बाबा योगी बाबा से ऊपर कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में अगली सरकार भी इनकी होनी चाहिए अगली सरकार भी गांड फटी पे बोल रहे हो वैसे ही बोल रहे हो तुमने आतंक भी उठा रखा है तो गांड बिकादूर सन्नी दूर इनकी तो गांड फटी पड़ी है दूबे की सारे बदमाश पूर्वांचल में इतने शुक्ला पुकला दूबे तिवारी मिश्रा अनमोल से पूछ लीजिए अनमोल बढ़ाना से क्या कहना चाह रहे हैं अनमोल बढ़ाना तो बता ना फोन से जी रहे दूबे जी आप तो कुछ बताइए अरे प्रशासन के खिलाफ है प्रशासन के पक्ष में उनकी तारीफ हेलो किसी के बारे में भूसले का आना यार यहाँ प्रशासन की बात हो रही है तो भूस की बात कर रहे भूस चार कट्टा भाई यहाँ तो भूस में बिजी है अपने काम में बिजी है कल्लू भाई ना ये अनमोल बढ़ाना भी हमारे अनमोल बढ़ाने में कितनी भैंस बांध रखी है घर की कितनी है तो इकला तू लड़का अपने माँ बाप के दो भैंस बांध रखी है घर की तो कैसे 80 किलो दूध पी रहे हो
अरे दो भैंस तो 20-20 किलो तो देती होगी, 10-10 किलो चलो 10-10 किलो देती होगी, 5-5 भी देती होगी, तो 5-5-10 किलो दूध पी जाता है तू। मैं थोड़ी थोड़ा पीता हूँ घर के। तो घर के कितने हैं? एक सिस्टर होगी, बहन जी होगी, छोटी भतीजी हमारी, एक तू होगा, एक भाई होगा, एक भाभी होगी। ज्यादा भाई है, सुबह उठता नहीं, एक किलो दही चाहिए। भाई है, भाई है, भाई भी तेरी तरह शरीर में ढींगड़ा। कल्लू भाई तुम्हारे कितने गाय भैंस हो रही है? हमारे दो भैंस, चार गाय हैं। हमारे दूध सप्लाई होता है, दूध सप्लाई होता है, तो कितने लीटर दूध निकल जाता है? 55-60 किलो। तो सारा बिक रहा है? सारा बस 2-4 किलो बछड़ा करके लिए सुबह शाम। अच्छा जी। हाँ भाई फैमिली भी तुम्हारी है भैया, ऐसा नहीं है। देखो मेहनती वाला का भैया, देखो गाय भैंस काम करते, गुजरों का तो खैर ग्वाला ग्वाला तो गुजर भी थे। राधा सनी दुबे जी कहाँ जा रहे हैं? इनके तो हाल चाल पूछ रही। सनी दुबे जी गा बाहर मत जाना, प्रशासन आपके पीछे पड़ रहा है, बाहर लुटका दे जाओ। कोल्ड ड्रिंक अरे 50 के अंडे के लिए यार भाई, अभी कहाँ ले 50 के अंडे के लिए? 50 कहाँ भाई, ये अंडे मंगा रहे हैं? अंडे मंगा रहे हो? कल का शनिवार है तो वो है, तुम आज अंडे खा रहे हो भाई? आज शनिवार थोड़ी है, कल है ना भाई, तो एक दिन पहले छोड़ना पड़ता है ना, उस बाबा के दिन है भाई। बाबा देखो, बाबा तो हमारे दिल में, तो भाई ने कह दिया शनिवार को अंडे नहीं खाए जाएंगे, हमारे भाई ने कह दिया शनिवार को, शनिवार से एक दिन पहले छोड़ दिए जाएंगे। बृहस्पतिवार पड़ेगा, बुधवार को नहीं खाएंगे, फिर मंगलवार, फिर संडे को। बाबा का दिन है, बाबा का दिन मानना चाहिए। नहीं बाबा का दिन मानेंगे भाई, बाबा तो हमारे दिल में है। ये हमारे अनमोल बड़ान जी को हिसाब गुणा मार करते हुए। तो कल में सुबह कितने बजे उठ जाता है भाई? 5 बजे। 5 बजे उठ जाता है? 5 बजे उठ के क्या करता है? 5 बजे उठ के पहले जाके गोबर हटाता हूँ सारा। गोबर हटाता है? फिर सानी मारता हूँ। सानी? मतलब न्यार हूँ का, खाने पीने का। अच्छा। फिर डेली दो धा के दूध दूध करता है, ग्राहक आते हैं दूध दूध लेके जाते हैं। अच्छा। सुबह कितना दूध देती है सारी मतलब गाय भैंस जो भी है? तो भाई बोलते हैं 55-60 किलो एक टाइम का? ना ना, एक टाइम का मान लो 30 किलो दूध निकल रहा है। अच्छा। तो दोनों टाइम का 60 किलो दूध निकल रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो भैया यहाँ तो भैया देखो सारे मेहनती बालक है। तो बाघड़ी कुछ तो दे रही होगी? बाघड़ी भी आएगी तो क्या चार दे रहा है? बेगिन आटा को अभी बोल रहे हैं दूध नहीं हो रहा है, घर के लिए कुछ तो दूध हो रहा होगा। घर के लिए हो रहा है ना? कितना हो रहा है? 8-10 किलो दूध हो रहा है। बाघड़ी के नीचे है ना गाय दे रही है, भैंस में दे रही है? हां तो ये तो मुझे गाय भैंस के नीचे कुछ तो दे रहा, तो गाय दे रही है 10 किलो दूध दे रही है, टाइम 5 किलो दे रही है। हां मतलब गर्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तू कितने लीटर दूध पीता है भाई? कितना दूध पीता है? चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। नहीं करना चाहिए नहीं, जनरेशन के लोग यहाँ से बहुत कर रहे हैं, पर ये करना नहीं चाहिए। कल भी पी मेरा आगे तो नहीं पी। देखो पीछे पी लियो तो पता नहीं, मतलब एक दूसरे एक दूसरे ये चाह रहा है कि ब्याह शादी हो जाए, एक दूसरे दूसरे मुझे ही काट कर रहा है। देखो मन के अनमोल बढ़ाना जी प्रिंस मुझे भी मतलब वो करवा रहे हैं ना, तने भी तने वाले होने वाले दिन तेरे चेक में करी थी ना, तने हमारे घर वाले ने पता हम सबके सामने कल्लू ने एक दिन हमारे घर वाले से किसी महकले को हमारे घर वाले को पता है पीता नहीं है
तो पीता पीने कौन कह रहा है पीता चीज है हम तो डर तो पीता पर मनी वाली चेक कर रहे हैं ना चेक भी नहीं कर रहे थे होली वाले भी चेक कर रहे थे भरोसा नहीं करते नहीं नहीं करना चेक क्यों करेंगे हम सीधी पिएंगे जब जिस दिन पिएंगे हम पीते नहीं तो क्यों चेक करेंगे होली वाले दिन तो चेक नहीं करिए नहीं करी हाय हाय का क्या मतलब है झूठ तुम्हारे रंग तुमने कभी चेक करी है तुमने कभी पी है कब पी है कपी तुमने पियाई थी मैंने तो नहीं पियाई मैं कभी भी भाई मैंने आता नहीं पिया मैंने भी चेक नहीं तूने चेक मैंने भी चेक ये बंदा बैठे बैठे एक बोतल पी जाता फिर दूसरों का नाम लेता नहीं 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 तू सच बता तूने आज तक नहीं पी ये तू कसम खा अब तू कसम खा कसम खा तो सही खवा तो सही तूने आज तक पिया कि नहीं पिया नहीं सच्ची कसम भाई देखो झूठे तो देखो कोई तू ना पी मनाली में कितने पी तूने ब्रिज में पी एक पेटी ना मांगी ब्रिज मनाली गए तो मुझे नहीं पता थी कि अनमोल पीता है हालांकि पीता तो नहीं है पर पता नहीं उस दिन क्या हो गया तो अनिकेत यादव और इसने कही मैंने की पांच मेरी ब्रिजर पी मैंने की भैया ले लो भैया भैया ब्रिजर हमने की कितने लोग है तो इन्होंने पता क्या कही इनने की एक पेटी मैंने की एक पेटी क्या हो रहा पर मेरा आगे नहीं थी गाड़ी में गुपचुप पी हो तो पता नहीं पर एक पेटी तो ली थी एक पेटी नहीं ली थी चाहे निकेत यादव ने ली गाड़ी में एक पेटी रखी गई थी कि नहीं रखी गई थी बस तू ये बता नहीं तूने तो धरवाई थी चंडीगढ़ जो ली जब एक पेटी स्पेशल तुम्हारे लिए ये तो झूठ चल रहा है तुम तो डर रहे हो ध्यान लेने जा रहा है मनाने का तो भैया आज पीने के ऊपर जिक्र छिड़ गया है वैसे तो कोई बालक पीता नहीं है पर यूँ है कि हाँ भाई अब पी भी लेंगे तो हम कहेंगे कुछ बिगाड़ देंगे पर पीते ना बालक जो बिगाड़ेंगे घर वाले बिगाड़ेंगे जो बिगाड़ेंगे घर वाले बिगाड़ेंगे जब देख लेंगे तुम हाँ दूध पियो बढ़िया चीज़ है अपना खाओ पियो अंडा खाओ चिकन खाओ पर दारू वारू सब बेकार चीज़ है हुक्का पी लो यही बतेरा क्या लाया भाई ये हमारे सन्नी दूगे कोल्ड ड्रिंक लाते हुए क्या नहीं निकालना पैसे डालो भाई पैसे डालो सन्नी पता नहीं गर्मी था पता नहीं क्या तो अच्छा फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ खाने जा रहा हूँ जिम से आया हूँ थका पड़ा हूँ 2 बजे रहे थोड़ा लेट गया था जिम उठ के तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में